हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू ऑल सेफ एंड हेल्दी। सो गाइस, बड़े टाइम के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद आज वापस आ गया मैं। आई थिंक 2 महीने हो गए पूरे, 2 मंथ। सो गाइस, वीडियो नहीं आ रही यार, क्या दिक्कत क्या है? लास्ट वीडियो आई थी मेरी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम, और उसके बाद तो कोई वीडियो नहीं आई है। क्यों नहीं आई, कैसे नहीं आई, वो सब बताऊंगा, क्योंकि मेरे को बड़े लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी, 3-4 बंदों ने मेरे को पूछ लिया, और यूट्यूब पे वीडियो पे भी आया था कि कमेंट के भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, नेक्स्ट वीडियो का भाई। तो भाई मैंने कहा चलो बता देता हूँ, इतना लंबा एक्सप्लेन करो, इससे बढ़िया वीडियो पूरी बना देता हूँ। वीडियो को पूरी एंड तक देखना यार, क्योंकि आप पूरी एंड तक नहीं देखोगे यार अच्छा नहीं लगेगा। वीडियो को पूरी देखना, जिन्होंने नहीं देखी, जिनको नहीं पता था वो तो यार यही पे स्किप कर जा सकते। बाकी आप अगर आपको पता करना है क्या हुआ तो यार वीडियो को पूरी देखना, और एंड के अंदर कुछ है बताऊंगा, वो एंड में देखना। बाकी अभी पहले पूरा सुन लो कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो बात है उस टाइम की, जब मैंने 1 मार्च के आसपास की, जब मैंने टाइप्स ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग बोर्ड एग्ज़ाम अपलोड करी, उसके थोड़े टाइम बाद मैंने सोचा यार नेक्स्ट वीडियो जल्दी डाल देता या तो फिर थोड़े टाइम में डाल दूँगा, मतलब जल्दी अपलोड कर दूँगा। बट यार उसके बाद मेरे सेशनल एग्ज़ाम आ गए, सेकेंड असेसमेंट एग्ज़ाम आ गया। आपको पता है मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर कर रहा है मैंने, फर्स्ट सेमेस्टर मतलब एंड हो गया। और उसमें आपके भाई का यार रैंक आ गया आपके भाई का। बाकी यार बाकी क्या अपनी तारीफ लेके बैठा हूँ मैं। तो गाइस सीधी सी बात ये है कि भाई मेरे सेकंड असेसमेंट एग्ज़ाम आ गए थे, तो वो मैंने क्लियर ही, मैंने कहा चलो असेसमेंट एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके फिर करूँगा, वैसे भी उसके बाद मेरे को कहीं निकलना था। तो यार मैंने पहले एग्ज़ाम अच्छे से दिए, तो उसके बाद मेरे को जाना पड़ गया सूरत। आप लोगों ने मेरी स्टोरी देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो नहीं, तो भाई कोई बात नहीं, मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी काफ़ी बंदों ने स्टोरी देख ली थी कि भाई मैं यहाँ से सूरत जा रहा था, सोनीपत से सूरत की ओर जा रहा था, और वो इसलिए जा रहा था क्योंकि गाइस मैं वहाँ पे अपनी एक या दो वीडियो के आसपास शूट करनी थी, मैंने 2-3 वीडियो। तो गाइस वहाँ पर मैं पहुँचा, मेरे को पता नहीं था कि मेरे साथ 2 साल हो जाएगा वहाँ पर जा। तो गाइस यहाँ से जैसे कि आपको पता है 19 घंटे का रास्ता है यहाँ से सोनीपत से सूरत। तो यहाँ से मैं चढ़ा, मतलब ठीक ठाक चढ़ गया, राहत को ही मेरे साथ बड़ा बुरा हो गया। मेरी आंखें देख रहे होगी, मेरी आंखें पूरी रेड, पूरी लाल होगी, जैसे मेरे अंदर सारा कुछ भूख गया, पूरी लाल हो गई गाइस, पूरी हालत हो गई मेरी। तो गाइस मेरी आंखें पूरी वाली लाल हो गई, तो मैंने सोचा कि यार क्या होगा। मैंने कहा चलो यार हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम होया हाँ ऐसी लाल हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है हो जाएगी। नेक्स्ट डे जब मैं सूरत पहुँचा, वहाँ पर घर वाले देख के आराम के बेहतरी डाक आपसे लाल कैसे हो रही है, मैंने कहा यार होगी होगी ऐसे ही नींद नहीं, मैंने ढंग से रात को एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने ढंग से रात को सोया भी नहीं। तो मैं वापस हो गया, 5-7 घंटे सो गया आराम से। वही वापस शाम को उठा, तो उठने के बाद भी आके लाल अरे के चक्कर में, मेरे को चलो ठीक है हो जाएगी सही, एक दिन में हो जाएगी, पानी से छीटे मारता हूँ हो जाएगी आपकी, तब भी नहीं। फिर थोड़ा टाइम में बढ़ता गया, आँखें रेड होती गई। एक टाइम ऐसा आया कि मेरी आँखों में वाइट पोर्शन 1% भी नहीं बचा, पूरी रेड हो गई पूरी। घर वाले देख के रहा, तो फिर मैं वहाँ पे मेडिकल पे गया, वहाँ पे दवाई ली, दवाई लेने के बाद ड्रॉप डालता गया, उसमें लाइट होती थी फिर डार्क हो जाती, लाइट होती थी फिर डार्क हो जाती, वो कभी ऐसा ढंग से चलता ऐसा चलता रहा। बहुत दवाई ली मैंने, घरेलू इलाज भी किए, मतलब बहुत कुछ कर लिया, पर यार आँखें सही नहीं। वहाँ पे मैंने कहा छोड़ो यार, जो मैं मेन टारगेट लेके आया हूँ शूट करनी है वीडियो, मैंने वो शूट करनी थी। तो वहाँ पे मैंने कहा शूट करनी स्टार्ट कर दी वीडियो। इन 20 दिनों में गाइस मैंने 2 वीडियो शूट की वहाँ पे, जो हमारी पहली वाली वीडियो थी उसका मैंने थंबनेल रिलीज़ करा था, क्योंकि हमारी वो वीडियो आने वाली थी, वो वीडियो पूरा हो चुकी, एडिटिंग भी हो चुकी, सब कुछ हो चुका था, उसका शूट कंप्लीट हो गया, एडिटिंग होगी। जिस दिन हमने उसको एक्सपोर्ट किया ना गाइस, अगर आपने वो थंबनेल नहीं देखा ये दिखा देते हो यहाँ पे, दिख गया ना आपको, बस यही वीडियो थी रूम नंबर 113। तो गाइस ये वीडियो को हमने सब कंप्लीट कर लिया था, एडिटिंग हो गई थी, जिस दिन हमने इसको एक्सपोर्ट करना था गाइस उसी दिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वीडियो गई। तो गाइस मेरे को बड़ा बुरा लगा यार कि मेरी यार वीडियो चलेगी, मेरा जो डायरेक्टर था उसका भी, मतलब डायरेक्टर क्या बोलना, कि मेरा बड़ा भाई था जिसने सारी वीडियो शूट करवाई थी मेरे साथ, भाई वो भी बड़ा ही निराश हो गया कि हमारी वीडियो इतनी मेहनत लगी सारी। तो यार वही मेरे को बड़ा बुरा लगा, साथ में मेरे जो भाई है उसको बुरा लगा, सारी वीडियो डिलीट हो गई यार, बहुत बुरा लगता है यार जब वीडियो डिलीट हो जाती है शूट करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी डिलीट हो जाती है। तो अभी भी देखो यार मैं रूम में अकेला बैठा हूँ, अगर क्वालिटी बेकार लग रही है तो कोई इग्नोर मारना। अभी यार नाइट का टाइम हो रहा है, लाइट चला रहा हूँ, मतलब बाहर पूरा शाम हुई पड़ी है,
शाम के टाइम शूट करो, पूरा देर छा रहा है, मतलब देर होने लगे बाद बस इग्नोर करना उसको, मेरी बात जो बोलो उस पर गौर करना कि भाई जो हमारा एडिटिंग कर रही थी मैंने उसको बोला कि भाई वीडियो का बैकअप स्टोर कर, उसके बाद वीडियो जो क्लिप्स है वो तो हमारी वापस आ गई स्टोर करने के बाद, बट जो हमारी एडिटिंग करी हुई थी वो चली गई सारी की सारी। तो हमने वो जो मेरा जो एडिटर था उसने बोला भाई मैं नहीं करती क्योंकि यार वो है चिड़चिड़ी सी भाई, पक्की बात, वो ये वीडियो देख रही है और बोलेगी मजाक करो यार चिड़चिड़ी है लेकिन भाई वो बिजी भी है, वो स्ट्रगल करती है भाई, बहुत मेहनती लड़की है। उसका भी एक अलग से यूट्यूब चैनल है, वो क्या अपना भी वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाती है। तो उसने बोला कि भाई भाई मेरे पास अभी वैसे भी वो बिजी रहती है यार काफ़ी, बोलना अच्छा नहीं लगता वैसे, पर चिड़चिड़ी है थोड़ी बहुत, चिड़ जाती है अगर उसको गुस्सा आता क्योंकि भाई उसकी वीडियो सारी चलेगी। तो इस बस वही हो गया, मेरे 113 थी उसको एडिट होने में कम से कम उसने एक महीने का टाइम मांगा क्योंकि उसके भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े थे। उसका प्रोजेक्ट क्या है, वो सिंगिंग करती है गाइस, अपना कवर करती है सॉन्ग को। तो गाइस उसके भी अगर आपको उसकी सिंगिंग सुननी है डिस्क्रिप्शन में उसके चैनल का लिंक दिया है डायरेक्टली, आप जाके चेक कर सकते हो। तो गाइस बस अपना यही बताना था मैंने कि भाई उसी के कारण मेरी दो वीडियो शूट होगी, सेकंड वीडियो एक रैगी में जानता हूँ, सेकंड वीडियो जो थी उसका भी लिंक अभी मैं आपको नहीं दूंगा, वो है लेकिन वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको अगर वीडियो का पता करना है कमेंट सेक्शन को भर दो, अच्छे से भर दो कि भाई आपको अगर वो वीडियो का थंबनेल चाहिए। भाई साहब बड़ी ही जहर मूवी है, बड़ी सही मूवी है यार, मूवी क्या कह रहा हूँ, एक वीडियो है बड़ी तगड़ी वीडियो है, बहुत ही सही लगी है दोनों वीडियो का, बहुत जोरदार बहुत जोरदार। बस यही सब हुआ है इस मेरे साथ इन दो महीनों के अंदर तो दो मिनट का काम मैंने 8 मिनट में बता दिया, मेरे को नहीं लगता कोई देखा होगा यहाँ तक कोई। बस यही बताना था आपको, अगर आपको एंड में जो आपको बोला था कि अगर आप लोगों को मेरी सेकंड वीडियो का थंबनेल चाहिए, आपको पता करना है कि वो वीडियो कौन सी है, आखिर ऐसा क्या है उस वीडियो में जो इतना बता रहा है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिख दो आपको चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके जाओ यार, जितना लाइक करोगे मेरे को उतना बढ़िया, और इंस्टाग्राम पे जाके उस टाइम फॉलो कर लेना क्योंकि मैं वही पे थंबनेल रिलीज करता हूँ, और फेसबुक पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। ਕੱਲੀ ਬਾਤੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੱਲਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਹੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੌਸਲੇ ਆ ਬੜੇ ਯਾਰ ਦੇ ਆ।